हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे गूगल सीट से डाटा पाइथन के थ्रू कैसे फेच करेंगे। आपने CSV फाइल से डाटा फेच किया होगा, और लेकिन CSV फाइल आपको लोकल पीसी में रहता है। सपोज के लिए कोई डाटा अगर आपका गूगल सीट पे पड़ा हुआ है और वहाँ से आपको डाटा फेच करना है यूजिंग पाइथन, तो कैसे करेंगे? तो आपको गूगल सीट से पहले मैं होप करता हूँ कि आपको CSV से फाइल रीड करना आता हो, लेकिन फिर भी मैं शो कर देता हूँ कि कैसे हम लोग रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक पांडा डाटा फ्रेम यूज करेंगे कि जो भी गूगल सीट में डाटा रहेगा या लोकल सीट में जो भी डाटा रहेगा वहाँ से हम लोग डाटा फेच करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लोकल सीट बना के रखा हुआ है, ऑर्डर स्टेटस। तो हम फर्स्ट आपका ऑर्डर स्टेटस रीड करेंगे जो कि लोकल पड़ा हुआ है, और उसके बाद हम लोग गूगल ड्राइव पे एक सीट बनाएंगे और वहाँ से डाटा फेच करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए हमारा लोकल सीट में डाटा है और हम लोग इसको रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पांडा को इंपोर्ट कर लेंगे, और उसके बाद जहाँ पर आपका पाइथन फाइल है, सबसे पहले हम लोकल पीसी से फाइल को रीड करने का ट्राई करते हैं। जहाँ भी आपका पाइथन फाइल पड़ा हुआ है और आपका एक्सेल सीट भी वहीं पड़ा हुआ है, तो मुझे पाथ की जरूरत नहीं, सिर्फ फाइल नेम सफिशियंट रहेगा। लेकिन जहाँ पे अगर आपका केस ऐसा है कि गूगल जी एक्सेल सीट किसी और ड्राइव में है और आपका पाइथन फाइल किसी और में है, तो मुझे फाइल का पाथ नेम भी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में लेके चलते हैं कि हमारा जहाँ पे पाइथन फाइल है, जैसे इस केस में हमारा पाइथन फाइल यहाँ पर ही है और इसी यहीं पे ऑर्डर स्टेटस फाइल ही पड़ा हुआ है, तो मुझे फाइल नेम पाथ नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। तो फाइल नेम हम दे देते हैं अब इसे हम रीड कर लेते हैं, जैसे डाटा फ्रेम को डाटा फ्रेम, और रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन से हम लोग डाटा को रीड करते हैं और देखते हैं कि हमारा डाटा रीड होकर आया या नहीं आया। तो दोस्तों ये देखिए डाटा रीड होकर आ चुका है जो कि हमारे इस सीट में था, बजाज फाइनेंस एल इंडिया। वो पता है कि मैं एल गोल्ड ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये सब हमारे ऑर्डर स्टेटस थे। तो आप देखिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस एल इंडिया ये सब आ चुके हैं। अब सपोज करिए कि अगर ये फाइल किसी और फोल्डर में है, जैसे मैंने दूसरे फोल्डर में एक डाल दिया है पाइथन ट्रेडर नाम के फोल्डर्स की जगह। अब सपोज करिए फाइल आपको यहाँ से उठाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पाथ भी देना पड़ेगा मुझे। तो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको ओके चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं सिंगल कोट्स देता हूँ तो क्या एरर आता है, तो यहाँ पे एरर आएगा स्कैनिंग लिटरल एरर। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे यूनिकोड एरर आ रहा है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे सिंगल कोट्स की जगह डबल कोट्स देना है, डबल बैक स्लैश। अभी देखिए अभी ये एरर नहीं आएगा, ठीक है, यानी अब मेरा जो कंप्लीट पाथ बनेगा वो ऐसा बनेगा। हम फाइल नेम फाइल पाथ हो गया और हमारा फाइल नेम, अब देखिए इसके अंदर क्या वैल्यू है। ऑब्वियस है दोनों ऐड होके आ गए होंगे, नथिंग स्पेशल। तो ये वैल्यू में आ गया, मुझे अगर रीड करना है इस फाइल को रीड करना है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, CSV इनपुट अनदर डायरेक्टरी, जैसे मैंने एक अब क्या है, अभी जो अगर दूसरे फोल्डर में रखा हुआ है CSV फाइल, तो मैं इनपुट में ये दे दूंगा कि ये मुझे ये डाटा इस सीट का डाटा को CSV के डाटा को लेके आओ। तो मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ से देखता हूँ यहाँ से डाटा रीड होकर आया कि नहीं आया। तो ये देखिए यहाँ से डाटा रीड हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने मेन चैलेंज, अब मुझे कोई गूगल सीट से डाटा रीड करके आना है, क्योंकि अगर हम एल्गो रन करते हैं, अगर हम क्लाउड पर डिप्लॉय करते हैं, तो कभी कभी हमें कुछ डायनेमिक वैल्यू लेना पड़ता है, किसी गूगल सीट से लेना पड़ता है,
या कहीं और से लेना है, आपको क्लाउड से लेना है, तो हम लोग उसको देखते हैं। ये तो हमने लोकल पीसी से गूगल सीट से सीएसवी फाइल कैसे रीड करना देख लिया, अब हम लोग गूगल सीट पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक गूगल सीट क्रिएट कर लेते हैं। एक ब्लैंक सीट बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ डाल देते हैं। टेस्ट 1 2, अब हम इसे रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फाइल है हमने दे दिया पाइथन ट्रेडर्स, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, हमने पाइथन नेम दे दिया। मुझे इस सीट को शेयर करना होगा कि कोई भी बंदा इसे देख सके, एनी वन विद लिंक कैन व्यू, क्योंकि हमारा जब पाइथन कोड जब रीड करने आएगा तो उसको एक्सेस होगा। फिलहाल ये सिर्फ मेरे आईडी को ही एक्सेसिबल है, तो अगर कोई दूसरा बंदा इसे एक्सेस करना चाहता है तो उसे मुझे व्यू का राइट्स देना पड़ेगा। डन, मैं इसका ठीक है, अब मैंने इसको शेयर कर दिया ताकि एनी वन जिसके पास ये लिंक है वो शेयर वो इसे देख सकता है। जैसे मैं इसको दूसरे टाइप से देखता हूँ इनकॉग्निटो से, तो देखिएगा ये डाटा मुझे दिख रहा है, यानी कि वो एक्सेसिबल है। अब हमारे पास ये सीट है, सीट का मैं URL लेके आता हूँ। अब इसमें से अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक सीट वन है और एक सीट टू भी डाल देता हूँ। सीट टू में मतलब टेस्ट, यहाँ पे सपोज करिए 1 2 3 5 A B C D E। तो आपके गोल सीट के ये जो है आपका गोल सीट है, इसमें मल्टीपल सीट्स होते हैं, सीट वन सीट टू या कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि टेस्ट वन टेस्ट टू, तो आपके इसमें मल्टीपल सीट्स होते हैं। तो आपको किस सीट को रीड करना है, टेस्ट वन को रीड करना है, टेस्ट टू को रीड करना है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप किसे डाटा को लेना चाहते हैं। एट ए टाइम एक ही डाटा आएगा, तो अगर आपको दो बार डाटा दोनों सीट से डाटा चाहिए तो सीट वन को रीड करना पड़ेगा, फिर आपको सीट टू को रीड करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब सीट आईडी हो गया, सीट URL सीट ने, अब सपोज करिए कि हम आपको रीड करना चाहते हैं, सीट वन का डाटा को रीड करना चाहते हैं, तो यहां से मैं सीट वन आ गया और सीट URL, URL ऐसा रहता है, सबसे पहले तो आपका सीट जो हमने गूगल सीट बनाया है इसमें आपको एक पाथ यहाँ पे मिला है, ये पाथ में जो ये जो वैल्यू है डी के बाद और एडिट से पहले है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने सीट आईडी से दे देता हूँ, सीट स्पेसिफिक जो आईडी है अपना, ये वैल्यू हो गया और ठीक है। तो हमने दो वैल्यू निकाल लिया, इसे हटा देता हूँ, सीट आईडी एंड जो आपको रीड करना है। सीट आईडी कहाँ से मिला मुझे, यहाँ से मिला, जो URL है URL पे डी के बाद और एडिट से पहले आपको सीट आईडी मिला और सीट नेम मिला आपको, जिस सीट को रीड करना है वो सीट आपको मिल गया। ओके, अभी मैं यहाँ पे कोड लिख के रखा हुआ हूँ, मैं ईजी हो जाए। ठीक है, इसको ये दोनों वेरिएबल को मैं साइन कर देता हूँ। ठीक है, अभी एक URL मुझे एक्सेस करना पड़ता है, URL docs.google.com ऐसा। तो इसमें ये जो वैल्यू है डी के बाद जो हम लोग यहां से लेकर आए थे, डी से के बाद जो हमने जो कट करके लाए थे वो वैल्यू को मुझे यहां पर रिप्लेस करना है, मतलब सीट आईडी यहां पे आ जाएगा, ये जो फर्स्ट है सीट आईडी, जैसे यहां पे गूगल सीट है तो यहां पे गूगल सीट आईडी आ गया, और ये जो सेकेंड वैल्यू है स्लैश सीट का नेम, जो सीट आप एक्सेस करना चाहते हैं वो यहां पे आपका सीट नेम आ गया। तो एक हमारा कंप्लीट URL बना, ये जो URL था इसमें आप ऐसा देखे लास्ट में स्लैश एडिट स्लैश जीआईडी है, स्टार्टिंग का सब कुछ सेम है, स्लैश डी वगैरह, तो स्टार्टिंग का सब कुछ सेम ही रहेगा, लेकिन लास्ट में जो ये स्लैश एडिट स्लैश जीआईडी है उसकी जगह एक्सेस करने के लिए हमें ये फॉर्मेट चाहिए, GVIG वगैरह आउट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको ये कोड मैं शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, या यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं वगैरह पॉज करके। तो ये एक कंप्लीट गूगल सीट URL बनेगा जिस जो कि पाइथन कोड एक्सेस करेगा। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी देखिए इसमें क्या वैल्यू आ गया, अभी देखिए कैसा वैल्यू आया है। तो आप देखिए यहाँ पे
ये जो फर्स्ट जो हमने रिप्लेस किया सीट आईडी, सीट आईडी की वैल्यू यहाँ पे आ गया, और सेकंड वैल्यू जो सीट नेम जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं वो सीट यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास अब ये यूआरएल रेडी है, अब हम इसको पांडा के थ्रू रीड करना चाहते हैं। ये सेम है अपने को रीड अंडरस्कोर सीएवी जो हम लोकल डाटा को रीड करने यूज करते थे, यहाँ भी सेम ही यूज करेंगे हम लोग। रन करते हैं, रन हो गया, देखते हैं इसमें डाटा क्या आया। ये देखिए डाटा आ गया, सीट वन में जो डाटा था, ये देखिए सीट वन में डाटा है या नहीं है। सीट वन में देखिए डाटा है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। ऊपर जो कॉलम नेम टेस्ट है, बाकी तीन अपने को कुछ नाम ने नहीं दिया था। अब सपोज करिए कि मुझे टेस्ट टू को रीड करना है, टेस्ट टू को, तो मैं यहाँ पे वन की जगह टू कर देता हूँ, फिर से इसको मैं अपलोड करता हूँ, फिर इसे गूगल सीट भी अपडेट हो जाएगा, फिर यहाँ भी देखिएगा ये डाटा भी चेंज हो जाएगा इसको रन करने पे, टू हो गया। अब मैं इसको फिर से लोड करता हूँ और इसको वैल्यू फिर से लोड करता हूँ, तो ये देखिए अभी गुड सीट टू में जो हमारा डाटा है वो आ चुका है। सीट टू में देखिए हमारा जो डाटा था A1 2 3 4 5 ABCD इस तरह से आ चुका है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आज तीन चीज़ें सीखने को मिली, आपको लोकल पीसी में कोई फाइल है उसे कैसे रीड करना है, अगर वो फाइल किसी दूसरे डायरेक्टरी में है वो कैसे रीड करना है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आज के क्लास का था कि कोई सीट अगर गूगल ड्राइव से है, गूगल सीट मुझे रीड करना है तो वो कैसे रीड करेंगे। तो उसके लिए हमने एक बार रिवाइज करता हूँ, हमें वो गूगल सीट का यूआरएल चाहिए, यूआरएल सीट से मेन इंपॉर्टेंट ये वैल्यू निकालेंगे, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है इसमें कौन सा सीट आपको एक्सेस करना है, सीट वन, टेस्ट वन, टेस्ट टू, सीट थ्री, सीट फोर, जो भी आपको एक्सेस करना है वो आप यहाँ पे वैल्यू डालिए, सीट आई डी, सीट नेम, उसके बाद एक फॉर्मेट में आपको यूआरएल बनाना है, तो यूआरएल हमारा ऐसा हो गया, और उसके बाद नॉर्मल रीड अंडरस्कोर सीएसवी से उसे हम लोग रीड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग गूगल सीट से डाटा रीड करेंगे। ये जो कोड है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके ये पूरा कंप्लीट कोड ले सकते हैं, या इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से भी नोट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त।